पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉन भी अच्छी लय में थे। 86 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम का पहला विकेट गिरा। ऋतुराज गायकवाड़ 31 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। सिकंदर रजा ने उन्हें विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट कराया। ऋतुराज ने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। एक विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। डेविन कॉनवे ने 30 रन में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 130 रन के स्कोर पर चेन्नई का दूसरा विकेट गिरा। शिवम दुबे 17 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हरदीप सिंह ने उन्हें शाहरुख खान के हाथों कैच कराया। अब डेविन कॉनवे के साथ मोइन अली क्रीज पर थे। 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 150 के पार जा चुका था। 158 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट गिरा। मोइन अली 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके लगाए। उनको राहुल चाहर ने विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट कराया। 185 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा विकेट गिरा। रविंद जडेजा 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। सैम करन ने उन्हें लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच कराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के सामने 201 रन का लक्ष्य रखा। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने अच्छी शुरुआत की। 50 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा। कप्तान शिखर धवन 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने उन्हें मथीसा पथिराना के हाथों कैच कराया। धवन ने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 62 रन बनाए। शिखर धवन 28 रन बनाकर आउट हो चुके थे, लेकिन गुरुसिमरन सिंह और अथर्व तायदे क्रीज पर थे। 80 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट गिरा। गुरुसिमरन सिंह 24 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्टंप आउट किया। 94 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का तीसरा विकेट गिरा। अथर्व तायदे 17 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने उन्हें अपनी ही गेंद पर कैच लपका। 3 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन के बीच अर्धशतक की साझेदारी हुई। 151 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का चौथा विकेट गिरा। लियाम लिविंगस्टोन 24 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। तुषार देशपांडे ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराया। सैम करन 20 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें पथिराना ने बोल्ड किया। वहीं जितेश शर्मा 10 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें तुषार देशपांडे ने शेख रसीद के हाथों कैच कराया। आखिरी 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत थी। सिकंदर रजाना और शाहरुख खान क्रीज पर थे। वहीं जूनियर बलिंगा के नाम से मशहूर मथीसा पथिराना गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर रजाना ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर शाहरुख भी 1 रन ले पाए। तीसरी गेंद डॉट बॉल रही। चौथी और पांचवी गेंद पर रजा ने 2-2 रन लिए। आखिरी गेंद पर पंजाब को 3 रन की जरूरत थी। पथिराना ने ऑन द स्टंप स्लोअर बॉल फेंकी। रजा ने इसे स्क्वायर लेग में खेला और भागकर 3 रन ले लिया। इस तरह आखिरी गेंद पर चेन्नई की हार हुई। आईपीएल 2023 के 41वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया।